अपडेट्स ये हैं कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद कोर्ट पहुंच गए हैं एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस पर सजा मौतली की अपीलें बहाल करने के ऊपर पर की की जाएगी अदालत जानब से नवाज शरीफ इससे पहले एहतसाब अदालत में पेश हुए और अब वो इस्लामाबाद कोर्ट पहुंच गए हैं तीन अलग अलग मुकदमा थे जिसमें नवाज शरीफ की जानब से आज पेश होना था सबसे पहले वो तोशा के लिए एहतसाब अदालत में पेश हुए और वहाँ पर तमाम तर कानूनी जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करने के बाद उनको वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी गई नवाज शरीफ कमरा अदालत से रवाना हुए थे कुछ देर पहले और अभी अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं यहाँ पर एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसिस पर समात की जाएगी सजा मअली की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर यहां पर समात होगी तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की बीस नवंबर तक जमानत मंजूर की गई है और अब ये दूसरे दो मामला हैं एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस जिसकी समात होगी इस्लामाबाद कोर्ट में नवाज शरीफ के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं आपको बताएं कि इस्लामाबाद कोर्ट पहुंच गए हैं